हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के 6:30 और मैं लेने आई हूँ नमक ले बिस्किट दुकान पे से, क्योंकि बिस्किट ख़त्म हो गए और उठते हुए बिस्किट मांगने वाला है, तो अभी तो उठा नहीं है, तो इसलिए मैं लेने आ गई हूँ। तो फटाफट से बिस्किट लेके जाते हैं घर और उसका दूध बना के फिर तैयार होकर काम करके निकलेंगे ऑफिस के लिए। लो, दो बिस्किट दे दो पार्ले जी। हाँ, ख़त्म हो गया, अभी उठने वाला है, उठते ही मांगेगा फिर। मम्मा बिस्किट खाऊं? तो आंटी जी अभी तक नहीं आई बिस्किट लेके, जल्दी आओ। घड़ी लगा रहे? गुड मॉर्निंग। सब सो रहे हैं? पहले औरत ही उठती है घर की। आज ना मैं उठ चुका है और देखिए सुबह सुबह ये खा रहा है बनानास, और दोनों दो बनाना ले लिए इसने कि पहले मम्मा ये वाला खाऊंगा फिर ये, जबकि ये नहीं खा पाएगा, मुझे अच्छे से पता है ये कि खाएगा भी। क्या खा रहे हो? बनाना? बनाना खा लाऊं मम्मा, बनाना खा लाऊं। सारा बिस्तरा फैला पड़ा है, तो सारा समेटती हूँ मैं जल्दी जल्दी और फिर लगते हैं काम पे। तो गाइस अभी नमे कर रहा है ब्रश, करो ब्रश करो। लो मम्मा करवाए, मम्मा को तो आ करो, आ आपे पे करोगे? तो ये खुद से कर रहा है ब्रश, ब्रशिंग कर रहा है। मैं तो कर ली। तो गाइस देखिए स्वीटी का, हमारी स्वीटी का टैलेंट देखिए, हमारी स्वीटी देखिए धक्का मार के गेट खुलवाती है, बहुत टैलेंटेड कुतिया ये। तो गाइस ये कॉपीराइट लग जाएगा, ये निशाना मैं कह रहा मैंने पहले ही बना दिया, तो मेरा जाएगा। ये टैलेंट वो पहले शो करा चुके हैं, लेकिन आपकी पब्लिक अलग है, मेरी पब्लिक अलग है ना गाइस। तो मैं स्वीटी को रोटी ले लेती हूं, तो ये रोटी ले लेते हैं। ब्रश कर लिया बेटा? स्वीटी को रोटी देने दे, एक मिनट रुक जा। हाँ जी, हाँ स्वीटी को रोटी देंगे ना। हाँ रुक गई। हाँ चलो रोटी देंगे। ओ देखो उसको रोटी देते हैं पहले स्वीटी को। आप लोगे? तोड़ो तोड़ो, दो स्वीटी को दो। हाँ स्वीटी को दे दो, दे दो, बस दूर से देना बेटा, काट ना लेना। लो उसे काटेगी तो नहीं है, हट जा खाने दे। सो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और नहा के हो गई हूँ मैं रेडी। तो आज आ रहे हैं हमारे सीनियर, तो देखते हैं क्या होता है। और शाना भी अभी चले गए, और देखिए लापरवाही, गेट खोल कर चले गए, मुझे बोल के भी नहीं गए कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे घर में कोई घुस जाए तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगी आज, क्योंकि मम्मी गांव से आई नहीं अभी तक। तो मम्मी भी गांव से आएंगी, थक जाएंगे। हेलो हेलो, जब तक मम्मी नहीं आ रही है मैं बना रही हूँ मेरे लिए चावल, क्योंकि कुछ भी सब्जी भी नहीं थी, तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर चावल। और फिर उसके बाद दाल बना लेती हूँ मैं, मम्मी आने वाली है। इस मम्मी तो गांव से नहीं आई, लेकिन निक्की आ गए थे, तो निक्की अभी नाने को संभाल रहे हैं और मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे, क्योंकि मम्मी को थोड़ा लेट हो जाता तो मैं लेट हो जाऊँगी, इसलिए मेरे को निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ सर भी आ रहे हैं बड़े। मैं जा रही हूँ अभी। मैं आ गई थी सैलून, सैलून नहीं आई थी, मतलब ना मैं बोलता था बैलून बैलून, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। सैम गाने में चलाओ प्लीज, तुम मेरे कॉपीराइट लगाओगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:30, हम लोग पी रहे हैं अभी, क्या पी रहे हैं हम लोग? कड़क कड़क चाय। तो आप लोग पी सकते हो चाय अपने अपने बना के घर में, थवेरा बने बनाई मिलती है। और यहाँ पे हम साथ साथ कर रहे हैं काम, तो ये काम कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तकरीबन रही ब्लॉग में एंड तक देखने घर के मिली। हम लोग खा रहे हैं अभी स्वीट्स, जो इतेश भैया की शादी में मैं गई थी, तो वो शादी की मिठाई खिला रहे हैं अपनी, तो हम मिठाई खा रहे हैं शादी की। गाइस मिठाई बहुत टेस्टी है, ब्लॉग में बताओ अच्छी मिठाई बस। तो उनके इससे कि मैंने मेरे भाई की शादी की, मेरा भाई नहीं हो,
आपका वेलकम सर। बस ठीक है, बस कर दिया पढ़ाई वाली बात। ओए ठीक है निकलो ढंग से, कहो ढंग से। तो गाइस मिठाई बहुत टेस्टी है और पूरी खोए की मिठाई है, मावे की मिठाई है। और राजेंद्र जी फिर ब्लॉग में आ गए मेरे, बार बार आते रहते हैं राजेंद्र जी, फेमस होंगे। तो गाइस अभी ये कौन है, संजय भी आया, ये हमारे संजय जी है जो पे काम करते हैं। मैं गुज जाओ। तो आपका काम क्या है यहाँ पे, आपका काम क्या है यहाँ पे शोरूम पे? मेरा काम फेमस होना है। तो ये भाई पागल हो गए आपकी जैसे। कोई नहीं, बहन के सपोर्ट में रहो, जल्दी फेमस हो गए। तो गाइस हम कर रहे हैं मिठाई एंजॉय, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो बस ऐसे शादी करते रहो, मिठाई खिलाते रहो, क्या पता है कब खिलाएंगे। शादी कर होती पागल मेरी, अभी मुझे 32 में बर्बाद हो जाओ, मिठाई खिला दो। शादी होने भी मिठाई खिलाऊंगी, बर्बाद बर्बाद की तरह। बाय गाइस, मैं मिठाई एंजॉय कर लेती हूँ मेरी। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी घर पे, और नमे के लिए लाए हैं चॉकलेट। चॉकलेट खाई, चॉकलेट खोल देती हूँ मैं इसके लिए, वरना रोने लग जाएगा ये। और मम्मी बना रही है अभी केरी, खोल रही हूँ सूखला। सो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, और मेरे साथ साथ आज नमे भी नहाया था, तो इसको भी नहला दिया हमने। हेलो, राम राम, इधर देखो, राम राम, पहले राम राम बोलो, राधे राधे। छोटा बाबू, मम्मी बना रही है यहाँ पे केरी, है ना केरी ना, ये मम्मी एक ही पीस है क्यों, अचार वाली बना रहे हो क्या? मैं लगा रही हूँ अभी आटा, फिर हम बनाएंगे चूल्हे पे रोटियाँ। और गाइस मेरी रोटियाँ बन चुकी है, अब मैंने रोटियाँ भी बना ली है और सब्जी तो ऑलरेडी बन चुकी थी। मम्मी का भी पानी डाल दिया कूलर में, कूलर भर दिए हुए। तो ये रोटी हो गई है कंप्लीट। गाइस मम्मी भी बना रही है आमरस और केरी का, आमरस देंगे आज फ्रिज में रख के इसको। और इधर बनाई है केरी वाली अचार की सब्जी, मतलब अचार टाइप में बनाई है सब्जी। और इसको क्या हो रहा है, इधर आ जा अंदर, भूत बना दूंगी तेरा। ये हमारा आम रस, तो मम्मी ने इसमें थोड़ा गुड़ वुड़ डाल दिया और जीरा मिला दिया है। कैसा बना है? खट्टा ही खाऊंगा, खट्टा ही के लिए रहने दो कम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मीठा तो हो गया ना। तो आम रस बन गया और अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए गंगा जल, सॉरी रोज वाटर एंड गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए। फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल होने लगे मेरे, तो मैं कभी भी अपनी केयर नहीं करती हूँ फेस की और अपनी खुद की भी। आप खुद की केयर करनी है, खुद पर ध्यान देना है। तो जाते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी और गंगा जल लेके आते हैं। गुलाब जल यार लगता मरने वाली हूँ बहुत जल्द में। तो हे गाइस मैं भी लेके आई हूँ गुलाब जल, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ओके, और गुलाब, मैं पता सबसे क्या बोल रही हूँ, गंगा जल लेने जा रही हूँ, लगता है मेरी मौत होने वाली है। तो गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी और ग्लिसरीन, जो कि इन्होंने मुझे आइडिया दिया ग्लिसरीन का और मेरे को पता नहीं था। तो बहुत लापरवाही कर ली गाइस, सब अपने फेस पे ध्यान देंगे, है ना। थैंक यू सो मच ग्लिसरीन के बताने को, पता नहीं था बेड़ी हूँ। तो अब दूध मिला सकते हैं क्या? हाँ हाँ, फ़ोन के पीछे चुप पैसे दिखा रहे हो, कहीं भी मिलाओ ना। अब दूध भी मिला सकते हैं ना? हाँ पकाओ, हाँ पकलाओ दूध, कच्चा नहीं है, कच्चा मलाई वाला, कच्चा दूध तो है नहीं। कोई नहीं, हम इसी से काम चलाएंगे, आजकल दूध लेके आ जाएंगे। और ये सामने से कौन प्राणी आ रहा है, अच्छा गाय आ रही है। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर, तो कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों बाद ही पढ़ने जाएगी छोरी। गाइस समझ जाओ मेरे को डिंगल बोलनी नहीं आती, मुँह की जुबा रहे हो, पढ़ना नहीं है तुम्हें, पढ़ना नहीं पढ़ना, क्या बोलते हैं, पढ़ना ना। चल गाइस वो है ना, गाइस कह रही हूँ दोस्तों, वो है ना छोटी सी उम्र पढ़ना, मैं छोटी कहाँ हूँ, पढ़ना ही थे बाबा साहब आगे बोलना। हाँ ये गाने से थ्रू आते हैं मेरे को बोलना, अरे यार आपने पढ़ना है लेकिन उस गाने के थ्रू बोलने में आते थे ना।
आ गई ना। सो गाइस मम्मी ने बनाई थी ये कैरी की सब्जी जो कि मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो अभी मैं गई थी पड़ोस में मामी जी को सब्जी देने के लिए, तो उन्होंने मेरे को पकड़ा दिए ये मिर्ची के कुट्टे जो कि मेरे को बहुत 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 पसंद है। मेरा तो काम बन गया। मैं खा रही हूँ अभी खाना, रोटी छाछ और गुट्टा। और मम्मी चिढ़ रही है मेरे से बहुत बुरी तरह कि मैं रोटियाँ लखनऊ की नहीं बनाती हूँ। तो गाइस आप कमेंट करके बताइए रोटियाँ लखनऊ की नहीं है क्या। टीवी की जगह बोल बंद क्यों कर दिया, बोल ना सीख पहले, बोल टीवी चलाओ। अरे मार भी रहे गंदे बच्चे, आ जा। क्या कह रहे हो मम्मी? गाइस को तो गाइस को बताऊंगी ना मेरी गलती। और गाइस हम पियेंगे मार आम रस। मैं बता रही हूँ कि गाइस मेरी गलती है, मैं रोटी ढंग से नहीं बनाती। हाँ चल तो गया, नहीं चला गया कितना डांट को लाई में कहीं कहीं पड़ जाए। नहीं चला टीवी कैसे नहीं चला? रोटी खाने के लिए जगह तो बेटा। अरे यार हिल गया ये तो। आप रोटी खा के चलाएंगे, आ जा। हमने खा लिया है खाना और अभी मैं करने जा रही हूँ मेरा फेस को वॉश। तो ये मैंने ले ली है फेस वॉश, तो अभी जाके मुँह धो लेती हूँ और फिर मुल्तानी मिट्टी का जब मैं लेके आई उसको पेस्ट बना कर लगाएंगे गालों पर। पहले फेस वॉश कर लेती हूँ। गाइस ये मैंने निकाले है ग्लिसरीन और गुलाब जल और ये मेरी मुल्तानी मिट्टी, तो मैं इसका पेस्ट बना लेती पहले जल्दी से। ये ले ले ये। तो गाइस मैंने ये निकाल लिया था, अब इसमें कुछ गुलाब जल के चले मिलाते हैं। I need your love, like city lights and satellites.